हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट? देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट एक्सपेक्ट इन काउंटिंग. मतलब जब भी कोई मेजरमेंट हम लेते हैं उसके अंदर हम लोग कुछ अनसर्टेनिटी उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो रियल डाटा होना चाहिए उसको हम टच नहीं कर पाते हैं. मतलब सर्टेन चीज़ होती है उसके आस पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. जैसे कि केमिस्ट्री में आपको पता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और सभी एक्सपेरिमेंट को हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है. साथ ही एक्सपेरिमेंट्स जो डाटा मिलता है उसको भी बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, राइट? अगर मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करना है और आप लैब में जाते हैं तो वहाँ हमने आपको एक वैल्यू दिया कि 2.5050 ग्राम ऑफ NaCl आप अगर वेट करेंगे तभी आपके पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलेगा. अदरवाइज आपका रिज़ल्ट में एरर आ जाएगा, रिज़ल्ट में रिज़ल्ट गलत हो सकता है, रिज़ल्ट बिगड़ सकता है. तो क्या आपको 2.5050 ग्राम वेट कर पाना एग्जैक्टली पॉसिबल है? नहीं, आप मे बी 2 ग्राम तो आप कर सकते हैं बट 0.50 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. मतलब आप 2.51 ले सकते हैं, 2.523, मतलब कुछ भी आपका वेट कर सकते हैं. ऊपर नीचे थोड़ा पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है. ये जो ऊपर नीचे होता है इसी को, बट ये डेसिमल्स के पहले जो वैल्यू है ये आपका फिक्स होगा. आप 2 पॉइंट के बाद ही 5152 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप वेट कर सकते हैं. बट आप क्या 1.5 कर सकते हैं? 1.5 ग्राम रॉन्ग होगा, 3.0 ग्राम रॉन्ग होगा. मतलब आपको 2 ग्राम ही लेना है, 2 ग्राम के आसपास, 2 ग्राम के जो डेसिमल पहले वैल्यू जो कि 2 ग्राम ही लेना है, इसके बाद की वैल्यू को नहीं ले सकते. इसमें चेंजेस जो है वो पॉसिबल है, ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा इसमें, बट इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं है. तो इस टाइप की जो ये ऊपर नीचे यानी कि 2.501 हो गया, 2.52 हो गया, 2.5 कुछ भी वैल्यू हो सकता है ऊपर नीचे, तो उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी. कि क्या है आप ये क्या होगा आपका वेट करने में अनसर्टेनिटी आता है. सो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट के साथ किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं तो उसके रिजल्ट, उसके डाटा का, डाटा को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है. इसीलिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन, कभी कभी हमें बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर के साथ डील करना पड़ता है. लाइक अगर हम एवोगैड्रो नंबर देखते हैं, अगर इसको देख दें तो क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? 602200000000000, मतलब आपके पास ये एवोगैड्रो नंबर है. ये अगर मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं कि इतने दाने हमें शुगर कैप ला के दो, तो क्या पॉसिबल है? आप कब तक काउंट करेंगे? इतने दाने आप काउंट करके शुगर को ला के दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है. अगर मान लीजिए छोटी वैल्यू की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर मास ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, अगर हाइड्रोजन का मास देखें तो क्या होता है 0.0000 ये 166 ग्राम होता है. इतनी छोटी वैल्यू, इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू. अब इतने बड़े बड़े वैल्यू को लिखते लिखते ही आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है. इतना ये बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, इतने बड़े नंबर्स को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. अभी तो लिखने में प्रॉब्लम, इसके साथ आपको एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अब सब चीज़ आपको इसके साथ करना होता है. तो आप कब तक ऐसे नंबर को लिखेंगे, राइट? तो इसके लिए
इस सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक टर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या होता है, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज एन इंटू 10^n। ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन, जब इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखते हैं, इस टर्म में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। हियर एन इज कैपिटल एन स्टैंड फॉर अ नंबर विथ अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एंड एन इज द इंटीजर एंड इट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट होता है ये, राइट। जैसे मैथ्स में इसको हम पावर बोलते हैं, इसको मैथ्स में पावर बोलते हैं, इसी तरह इसको एक्सपोनेंट ये होता है, यानी किसी भी बड़े या छोटे नंबर के इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिखने को साइंटिफिक नोटेशंस कहा जाता है। अगर कुछ एग्जांपल को समझते हैं, सबसे पहले अगर एक एग्जांपल देखेंगे, कुछ वैल्यू हमारे पास से 25348.75 ये वैल्यू है। इस वैल्यू का साइंटिफिक नोटेशन अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल एन इंटू 10^n, एन क्या बोला गया है, एन क्या होता है आपका एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब डेसिमल के पहले, यानी यहाँ पे डेसिमल के पहले आपके पास इतने सारे डिजिट्स थे, बट साइंटिफिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके पास डेसिमल के पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, शुड बी, वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी 1 to 10, 1 और 10 के बीच होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में 1 to 10 दिया है, बट आप 1 to 9 भी कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, आपका डेसिमल के पहले कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। दो रूल हमको देखेंगे, पहला ये कि सिंगल डिजिट हो डेसिमल के पहले, और वो कैसा 1 और 10 के बीच में हो और जीरो ना हो, 1 और 10 के बीच में हो और जीरो ना, या फिर 1 और 9 के बीच में हो, बट जीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। सो इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, कितना शिफ्ट करना है, जब तक हमें क्या है सिंगल डिजिट तक ना आए, तो 1 2 3 4 टाइम इसको शिफ्ट करेंगे, तब ये जाके ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसको शो कैसे करेंगे, इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 10^4 फोर टाइम है इसलिए 4 करेंगे, मतलब या तो इसको ऐसे 10^4 का मतलब क्या हो गया 25348.75 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक 10 से, तो फिर इधर, फिर इसे करते 4, मतलब 4 times 10 को मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा वैल्यू क्या 2.53 4875 × 10^4। एक अब इसमें ये देखना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो हमारा रूल ये बोलता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है +4। क्या है लेफ्ट साइड, जब फ्रॉम डेसिमल से मूव करेंगे लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 0.00007859, तो अभी पहला क्या था, रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि कैपिटल एन की वैल्यू कभी भी नॉन जीरो, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और सिंगल होना चाहिए। यहाँ सिंगल है बट डेसिमल के पहले सिंगल है, बट ये तो जीरो है, तो इसको हम लोग नॉन जीरो करेंगे, तो हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हमें इधर शिफ्ट करने का, पहले इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर फाइव टाइम, तो कैसे होगा 7.859 × 10, तो 7.859 होगा इंटू कितने टाइम हुआ है, कितने टाइम शिफ्ट किया हमने, 5 times 10^5। अभी क्या ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है फ्रॉम डेसिमल, तो उसको हम क्या करेंगे -5। 10^-5 का मतलब होता है कि कोई भी हमारा डिनोमिनेटर अगर नीचे हो तो ऊपर आता है तो नेगेटिव हो जाता है, जैसे 7.859 है,
0.00, इसको हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, 10 10 10 10, यानी 1 2 3 4 5, 5 times 10 से हमको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 times 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी तब ये क्या होगा, 0, ये पॉइंट, ये आपका डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, डेसिमल आपका इधर शिफ्ट होगा, तो कैसे हो सकता है, 7.859 इंटू बाई 10^5, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सो 7.859 इंटू 10^-5, ये होगा हमारा आंसर। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही हम देखेंगे कि उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास कोई वैल्यू 5.5 × 10^8 इंटू 1.1 × 10^-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको एक साइड कर लेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स, ये जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। पावर क्या होंगे, पावर क्या होंगे, पावर होंगे वो ऐड, पावर ऐड, पावर विल बी ऐड अप। ओके, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, पावर क्या होता है, ऐड होते हैं, तो 5.5 × 1.1 × 10^8 प्लस, ये माइनस है तो माइनस कर दिया, राइट, इसे सॉल्व करेंगे तो 6.05, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, 6.05 × 10^6, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास कोई वैल्यू दी रखी है जिसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करने है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले 6.9 × 5.5 × 10^ क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7+8, तो क्या आएंगे हमारे पास, 6.9 × 5.5 × 10^15, सॉल्व किया तो कितना आएगा, 37.95 × 10^15, राइट। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन कैपिटल एन शुड बी व्हाट, शुड बी अ सिंगल वैल्यू, सिंगल डिजिट, राइट, तो यहाँ तो डबल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 3.795 × 10^15 × 10^1, डेसिमल शिफ्ट किया है तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3.795 × 10^15 + 1, सो 3.795 × 10^16, दिस इज आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, हमारे पास कोई वैल्यू हो जिसमें हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ हो जाएगा 0.5, ये हमारा जो वैल्यू है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2.5 × 10^-3 × 10^5, सॉल्व करेंगे तो 0.5, तो 0.5 × 10^-3 ऊपर गया तो क्या जगह, -4, तो
तो जब भी हम डिवीज़न करते हैं हम क्या करते हैं, हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे। सो क्या जाएगा, 0.5 इंटू 10^-3 देन -4। तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10^-7, जो कि आंसर क्या है, इनकरेक्ट। कैसे, क्योंकि हमारा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के पहले जो भी एन की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ डिजिट, सिंगल डिजिट, कभी भी नेवर नॉन जीरो नहीं हो सकता, कोई भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हम राइट साइड शिफ्ट किए इसका मतलब क्या है, इसमें एक हमारा एक्सपोनेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। ये जब इधर शिफ्ट होगा, 5 × 10^-7 × 10^-1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, 5 × 10^-8। दिस इज आंसर। सी द अनदर एग्जाम्पल, 2.6 × 10^-4 डिवाइडेड बाई 0.2 × 10^-5। कैसे करेंगे, इसको डिवाइड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 × 10^-4 इंटू 0.2 × 10^-5। टू कैंसिल, 1.3 राइट, तो क्या होगा, 1.3 × 10^-4, ये हमारा ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, 1.3 × 10^-4 × 10^5 प्लस 5। तो डिवीज़न है तो क्या हर करना है, हमें सबट्रैक्ट करने हैं, तो 5 + 4 क्या होगा, 1.3 × 10^-1। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट, एडिशंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, एडिशंस कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का, ये हमारे पास वैल्यू है 3.85 × 10^3 प्लस 3.15 × 10^2। नाउ इसमें क्या, सबसे पहले दोनों एक्सपोनेंट को सिमिलर कर दे तो हो सकता है, या फिर इसको सिमिलर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर दे लेफ़्ट साइड, तो इसमें एक वैल्यू जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले बताया था जब भी एक्सपोनेंट हमारा लेफ़्ट साइड जाता है डेसिमल, जो भी जब भी हमने बताया था कि डेसिमल से हम जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव क्या होगा, जुड़ जाएगा। सो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3.85 × 10^3 प्लस यहाँ कर सकते हैं 0.315 × 10^3 राइट, कॉमा ले लिया जा, 3.8 प्लस 0.315 × 10^3 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4.165 × 10^3 आंसर राइट। एडिशन में हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सपोनेंट है उसको हम लोग सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर करके कॉमन निकाल लेंगे, इससे हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। एक तरह से अगर देखते हैं तो ये वैल्यू भी रॉन्ग है, बट हम इसको आगे देखेंगे ये वैल्यू क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम चेक करते हैं कि इन दोनों में डेसिमल बाग किस में सबसे कम नंबर्स दिए हुए हैं राइट। जैसे 3.8 में डेसिमल बाग एक डिजिट है, जबकि 0.315 में
3 डिजिट्स हैं, तो जो जितने कम डिजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 85 यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे क्या आपके 3 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेस रहता है उसी डिजिट पे हम जाते हैं, तो इसका आंसर रहता है 416×10³। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये आगे बताया जाएगा आपको कि ये इसके लिए क्या रूल्स है, अभी बस इतना समझते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ये होना चाहिए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा हम लोग उतने डिजिट लिखते हैं जितना हमारे, अगर ये हम दिए हुए क्वेश्चन में, तो वो हम चेक करते हैं कि किसके पास, किस वैल्यू के पास डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट दिया गया है। जैसे 3.85 के पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है, तो जो कम डिजिट रहेगा उसको फॉलो करेंगे। कहीं यहाँ पे कम डिजिट है इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, 4.16, हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे कम डिजिट के साथ। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सब्ट्रैक्शंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में क्या देखेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू है, एग्जांपल 4.85×10^2 −0.35×10^3। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट सेम करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो राइट साइड हो रहा है, तो राइट साइड का मतलब होता है लेस, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। अगर राइट साइड एक डिजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.35×10^3 है, इसका हम एक शिफ्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3.5×10^3×10^-1। इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, 3.×10^2, राइट। तो हम क्या, हमारे पास क्या होगा, 4.85×10^2 −3.5×10^2 −3.5×10^2 −1.35×10^2 इज आवर आंसर। अब इसमें भी अगर हम चेक करेंगे, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, कैसे, क्योंकि अभी क्या बताया गया आपको कि हम वैल्यू में चेक करेंगे क्वेश्चन में कि किस में डेसिमल के बाद कितनी कम डिजिट्स है, तो इसमें क्या है 4.85 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है 3.5, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो हम इसको फॉलो करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 1.3×10^2 दिस आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट